इस वीडियो में हम बताएंगे 9 कॉमन लैपटॉप मिस्टेक्स के बारे में जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले मिस्टेक लैपटॉप लीड के ओपनिंग के रिलेटेड है। कुछ लोग लैपटॉप की लीड को कुछ इस तरीके से साइड के ऊपर से ओपन करते हैं, तो इससे जो हिंजिस वाला एरिया है साइड के ऊपर से, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम लूज हो जाता है और वहां से हिंजिस वगैरह डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसकी जगह आप कर क्या सकते हैं, सेंटर के ऊपर से कुछ इस तरीके से लैपटॉप की लीड को आप ओपन करना। इससे लोड दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और दूसरे हैंड को कुछ इस तरीके से आपको रखना होगा। ये इसको अगर आप फॉलो करोगे तो लैपटॉप का हिंजिस वाला जो एरिया है वो टूटने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। दूसरी मिस्टेक स्लीप मोड और बैकपैक के रिलेटेड है। कुछ लोग लैपटॉप की लीड को सीधा क्लोज करके लैपटॉप को लैपटॉप बैकपैक में रख देते हैं। ऐसे लीड को आप सीधा क्लोज कर दोगे तो मोस्टली जो लैपटॉप है वो स्लीप मोड में चला जाता है और वो कंप्लीटली शट डाउन नहीं होता। और उसको आप बैकपैक में रख दोगे तो वहां पे लैपटॉप ज्यादा हीट होने के चांसेस रहते हैं। सो अगर आप लैपटॉप को बैकपैक में रखने वाले हो तो सबसे पहले लैपटॉप को आपको शट डाउन करना है। उसके अगर आपके पास लैपटॉप स्लीव है तो उसके अंदर लैपटॉप को रखना और फिर उसको आप अपने लैपटॉप बैकपैक में रखना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब तीसरी मिस्टेक क्लीनिंग के रिलेटेड है। लैपटॉप को आउटसाइड से क्लीन करने के लिए पानी का यूज बिल्कुल मत करना। उसकी जगह लैपटॉप को क्लीन करने के लिए अलग से उसका लिक्विड आता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। और इनसाइड से लैपटॉप की क्लीनिंग की बात करो तो 2-3 साल से ऊपर हो जाते हैं तो भी कुछ लोग लैपटॉप को क्लीन नहीं करते। इससे लैपटॉप हीट वगैरह ज्यादा हो सकता है और लैपटॉप का जो लाइफ स्पैन है वो भी कम हो सकता है। सो उससे बेटर ये रहेगा कि लैपटॉप को 1.5 टू 2 इयर्स में ओपन करके अच्छे से क्लीन वगैरह कर लेना इनसाइड से। तो लैपटॉप को इनसाइड से और आउटसाइड से कैसे क्लीन करना है उसके ऊपर चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। फोर्थ नंबर की मिस्टेक लैपटॉप को कहां पे रख के यूज करना है उसके रिगार्डिंग है। लैपटॉप को डायरेक्ट सनलाइट से आपको दूर रखना है और कुछ लोग लैपटॉप को बेड के ऊपर रख के यूज करते हैं। इससे लैपटॉप के बैक साइड जो फैंस होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिस वजह से लैपटॉप अच्छे से कूल डाउन नहीं होता। इस रीजन से आपका लैपटॉप ज्यादा हीट वगैरह हो सकता है। तो अगर आपके पास ऐसा टेबल हो तो उसके ऊपर आप लैपटॉप स्टैंड या फिर कूलिंग पैड रख के उसके ऊपर आप अपना लैपटॉप रख के यूज करोगे तो वो बेटर रहेगा, एयर फ्लो वगैरह अच्छा बना रहेगा। और आप कंफ्यूज हो लैपटॉप स्टैंड या फिर कूलिंग पैड में से क्या लेना चाहिए तो उसके ऊपर भी चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। फिफ्थ नंबर की मिस्टेक अपडेट्स के रिगार्डिंग है। कुछ लोग अपडेट्स को इग्नोर कर देते हैं। अब इसको करना क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताओ तो सॉफ्टवेयर एप्स या फिर विंडोज अपडेट आए तो आपको उसको थोड़ा रिसर्च करके चेक कर लेना चाहिए वो अपडेट कैसा है। अगर सही लगे तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने से जो बग्स वगैरह होते हैं वो फिक्स हो जाएंगे और थोड़ा बहुत आपको परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। लैपटॉप की बात करूं तो इसमें जो सीपीयू और जीपीयू के जो ड्राइवर के अपडेट्स होते हैं उनको आप कर सकते हैं। फिर एप्स वगैरह जो इंस्टॉल करके रखी होती है उसको आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर से अपडेट कर सकते हैं। और कोई भी आपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके रखा है तो उसके अबाउट वाले सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं, वहां पे अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर वहां पे हेल्प में चेक फॉर अपडेट्स का भी ऑप्शन होता है। और विंडोज की बात करो तो चेक फॉर अपडेट्स करके आप सर्च कर सकते हैं और यहां पे आपको अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारी चीजों को आपको अपडेट कर लेना चाहिए। और अपडेट करते टाइम लैपटॉप को आपको चार्जिंग में ही रखना है। अपडेट करने के बाद आपको लैपटॉप को एक बार रिस्टार्ट भी कर लेना चाहिए। सो आप मंथली एक बार इन सभी अपडेट्स को चेक कर सकते हैं, कोई ना कोई अपडेट तो आया ही होता है। सिक्स नंबर की मिस्टेक लैपटॉप प्रोटेक्शन एक्सेसरीज के रिगार्डिंग है। कुछ लोग लैपटॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी तरह की एक्सेसरीज वगैरह यूज नहीं करते। इससे लैपटॉप के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं या फिर डस्ट वगैरह लैपटॉप में जा सकता है। तो आप लैपटॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लैपटॉप प्रोटेक्शन एक्सेसरीज आती है उन सबका यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए बात करो तो ये कीबोर्ड कवर है जिसको आप लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं। इससे डस्ट वगैरह लैपटॉप की कीज होती है उसके ऊपर कम जाएगी और गलती से पानी वगैरह भी गिर जाएगा लैपटॉप की कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड कवर कुछ हद तक लैपटॉप को बचाने में भी हेल्प कर देगा। कीबोर्ड कवर जैसी और भी यूजफुल लैपटॉप प्रोटेक्शन एक्सेसरीज आती है तो उसके रिगार्डिंग भी चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। 7 नंबर की कॉमन मिस्टेक चार्जिंग के रिगार्डिंग है। कुछ लोग हाई एंड टास्क लैपटॉप में करते हैं, उस टाइम के ऊपर लैपटॉप को बैटरी के ऊपर ही यूज करते हैं। इससे जो लैपटॉप की बैटरी है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप हाई एंड टास्क करते हो जैसे कि गेमिंग हो गया, कोई भी वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो ऐसे हाई एंड टास्क में आपको लैपटॉप को चार्जिंग में ही रखना चाहिए। उससे लैपटॉप बेटर परफॉर्मेंस वगैरह भी देगा और बैटरी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लैपटॉप चार्जिंग टिप्स के ऊपर भी वीडियो बना के रखी है, उसको आप बाद में चैनल के ऊपर देख सकते हैं। 8 नंबर की कॉमन मिस्टेक स्टोरेज डिवाइस के रिगार्डिंग है। अगर आपके लैपटॉप में आपको स्टोरेज कम लग रही है या फिर ज्यादा स्टोरेज की आपको नीड है तो आप लैपटॉप के इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाने की जगह एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आते हैं उनको आप ले सकते हैं, वो बेटर रहेगा। क्योंकि लैपटॉप खराब भी हो जाएगा तो जो भी डेटा आपने एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में सेव किया होगा वो वहां पर रहेगा। और उसमें भी एक चीज बताऊं तो आप फ्रीक्वेंटली जो भी डेटा यूज करने वाले हो लैपटॉप में आप सेव कर सकते हैं, बाकी जो डेटा आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं चाहिए उसको आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में सेव करके रख सकते हैं। और कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो उसको आपको पूरा फुल नहीं कर देना, उसका थोड़ा स्पेस आपको एम्प्टी रखना है। बेटर ये है कि आप अपना जो भी ड्राइव है उन सबका पार्टीशन बना लो। पार्टीशन बनाने के बाद आप अपना डेटा वहां पे स्टोर कर सकते हैं। अब बैकअप के
रिगार्डिंग भी एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। आप कोई भी मेन प्रोजेक्ट मान लो कि वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हो तो उसके ऊपर प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट करो। उससे पहले वो सारे प्रोजेक्ट का आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में प्रोजेक्ट फाइल्स का वीडियोस होगा या फिर फोटोज जो भी हो उसका टेम्पररीली आपको बैकअप ले लेना है, ताकि मेन प्रोजेक्ट के ऊपर आप वर्क करो और गलती से उसमें से कुछ भी डिलीट हो जाए या फिर करप्ट हो जाए तो भी आपके पास एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में वो बैकअप रहेगा, तो फिर आप उसका भी यूज कर पाओगे। 9 नंबर की मिस्टेक एडिशनल एक्सेसरीज के रिगार्डिंग है। अगर आप लंबे समय के लिए लैपटॉप का जो टच पैड है वो यूज करते हो तो रिस्ट में पेन वगैरह आपको हो सकता है, और मेरे ओपिनियन में लैपटॉप का आप टच पैड यूज करोगे तो उतना ज्यादा आपको बेटर एक्सपीरियंस वगैरह वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप एक वायरलेस माउस ले लो और फिर उसको यूज करो, इससे आपको बेटर एक्सपीरियंस वगैरह मिलेगा और लैपटॉप को अच्छे से यूज कर पाओगे। वायरलेस माउस जैसी और एडिशनल इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज जो लैपटॉप में काम आ जाएगी उसके ऊपर भी चैनल के ऊपर वीडियो बना के रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं।